Good afternoon, everybody. My name is Kritika and I am an engineer. You might be knowing or not knowing, so aaj pata chal gaya. Theek hai? So I'll be taking a statistics and LR part. Aapka quantitative aptitude karke ek paper hai, paper number 3. Okay, that is divided into 3 parts. 3 parts of paper 3 ke. Maths, stats and LR. Theek hai? सो इनिशियली अगर आप आपके पास मॉड्यूल्स आ गए हैं या अब आएंगे राइट. सो फर्स्ट इनिशियल आप चैप्टर्स देखेंगे तो वो मैथ्स के हैं, फिर उसके बाद आपके पास एलआर के टॉपिक्स हैं और लास्ट में आपके पास स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स हैं. सो बेसिकली दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर 3 इज डिवाइडेड इंटू दीज 3 सेक्शंस. ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है वही, बट मैथ्स एंड स्टैट्स ये मेजर है एंड LR इज अ माइनर सेक्शन. यहाँ पे 20 मार्क्स का है, ये 40 मार्क्स का है और ये 40 मार्क्स का है. अब आप में से नॉन मैथ्स कौन कौन के कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऑलमोस्ट सारे एक के दुक्के ही लग रहे हैं मुझे तो यहाँ मैथ्स वाले. अभी नॉन मैथ्स ओके. सो सी नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए स्टैटिस्टिक्स और LR थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ लाइफ लाइन जैसा होता है. क्यों? क्योंकि मैथ्स ऑब्वियसली आपको नहीं पसंद होगी इसलिए आपने 11th 12th में नहीं ली है ना, और तो कोई रीज़न होगा नहीं पसंद होगी या बेकार लगती होगी या पढ़नी नहीं है इसलिए ली, राइट. सो आप लोगों को मैथ्स में जहाँ तक हो सके इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आप कर लेंगे, जो आप 9th 10th वाले लेवल तक के जो थे ना वो वाले लेवल तक के कर लीजिए. ठीक है, बट स्टैटिस्टिक्स और LR को ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि आप यहाँ से मार्क्स लूज ना करें. इसमें लेस ऑफ मैथ्स होगी. ठीक है, स्टैट्स में क्या है, 2 पार्ट्स में रहता है पेपर, मतलब क्वेश्चंस 2 तरीके के होते हैं. थ्योरी क्वेश्चंस भी होते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत मिनिमम मैथ्स होती है क्योंकि अब आपको कैलकुलेटर यूज करने को अलाउड होगा तो मैथ्स इतनी डिफिकल्ट नहीं रही, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बस यही होगा तो कैलकुलेटर से वो भी ईजी हो गया. सो मिनिमम ऑफ कैलकुलेशंस आपको करनी है. सो स्टैटिस्टिक्स के थ्योरी क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों ही ऐसा स्कोप है जहाँ पे आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते, सो आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं मार्क्स. देन LR ऐसा सेक्शन है, आई कंसिडर इट टू बी अ फुल ऑन फुल वाला टॉपिक. ठीक है, इसमें 4 ही चैप्टर हैं. लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वॉट आई सी मतलब अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है लॉजिकल रीजनिंग लास्ट 3-4 ईयर्स से, जब से CA फाउंडेशन का करिकुलम आया है, उससे पहले नहीं था. तो आप लोगों का क्या लॉजिकल एप्टीट्यूड बहुत ही वीक था व्हेन इट कम्स टू CA एग्जाम्स, एंड देन आप लोग अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते तो आप लोगों के लिए और डिफिकल्ट होता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन अप बाय ICAI पीपल कि आपके LR लॉजिकल रीजनिंग डाला गया है. इससे क्या, आप इट इज़ नॉट अबाउट योर फाउंडेशन एग्जाम ओनली, इससे अगर आप लाइफ में कोई भी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे ना वो आपके हेल्पफुली होंगे. ठीक है, ये तो पूरा एकेडमिक हो गया, ये वाला है ना दिस इज यू कैन से जनरल, और ये आपको लाइफ लॉन्ग भी हेल्प करेगा. लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल एप्टीट्यूड पे ही है. सो इससे आपका माइंड का थिंकिंग एबिलिटीज भी ब्रॉडेंड अप होगा, आप थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे. और बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं आपके इसमें 4 टॉपिक्स, दे वेरी ईजी. बहुत ही स्पेसिफिक वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पे कुछ मेरे लिए पढ़ाने को नहीं है, बस क्वेश्चन ही कराने को है. थ्योरी कुछ होती नहीं है, लॉजिकल है, सो देयर इज नथिंग थ्योरी लाइक. ठीक है, सो यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, लर्निंग कुछ नहीं है यहाँ, इट्स ओनली अबाउट द प्रैक्टिस. सो यहाँ तो सबसे बड़ा रोल ही प्रैक्टिस का है. ठीक है, अच्छा इसके टेस्ट भी आपके पास सडनली भी हो सके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके टेस्ट सरप्राइज भी होंगे तो भी कोई प्रायर लर्निंग की नीड नहीं है. एक बार आपने इस वेराइटी के क्वेश्चन कर लिए आपको आते हैं, आप कभी भी दे सकते हैं, उसमें कुछ लर्निंग तो है ही नहीं, राइट. सो LR को ऐसे प्रिपेयर कीजिएगा कि आप 20 कहीं नहीं छोड़ें. ये मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों के लिए है. मैथ्स वालों का स्कोर बढ़ेगा अगर, क्योंकि आप स्टैट्स भी अच्छा कर लिए, आप LR भी कर लिए और मैथ्स आपको आती है, तो क्या आपके लिए तो स्कोर बढ़ाने का ही है ये. ठीक है, और जिनके पास नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए एक तरीके से लाइफ सेवियर है.
ठीक है, कि कैसे भी 40 लेके आए हम, तो 40 में से 20 तो ये कंट्रीब्यूट कर देगा। अब बचे 20, वो आप स्टैट्स और मैथ्स में मिला के निकाल लो। पर मैं कहती हूँ स्टैट्स में मत छोड़ो, क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी तो है। मैथ्स में टेम्प्ट होते 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 आप मार्क्स पुट करने लगे टिक्स, ठीक है, रॉन्ग हो गए, तो उनको बचाने के लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस है, ठीक है। सो स्टैट्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, तो क्विकली भी होते हैं क्वेश्चंस। थ्योरी है तो लर्न ही तो करना है, लर्न है कि हाँ दिस इज दिस, करेक्ट, बात खत्म। उसमें आपके एक तो टाइम भी बचता है, दूसरा आपको पूरे मार्क्स भी मिलते हैं। स्टैट्स को आप एज अ लाइफ सेवियर ही पढ़ना का स्टार्ट कीजिएगा, और थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा, ठीक है। आपको बहुत जगह ऐसा लगेगा एलआर और स्टैट्स, एलआर तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बट यस आपको प्रैक्टिस तो भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके अंदर एफिशिएंसी और स्पीड नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी बेसिकली। क्यों? क्योंकि आपको पता है रॉन्ग होते ही मार्क्स गए, पता है ना, ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, दिस पेपर 3 इज एमसीक्यू बेस्ड, +1 एंड -0.25, करेक्ट हुआ तो +1, रॉन्ग हुआ तो -0.25। आपको बहुत ही टू द पॉइंट आंसर करना आना चाहिए, ठीक है। अगेन एल आर विल रिक्वायर ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सो दैट आप हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एक बार देख चुके हैं, और जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके पास एक स्पीड है और एक एक्यूरेसी, दोनों ही चीज़ है, ठीक है क्या। देन स्टैट्स आई टोल्ड यू, मैथ्स, सी मैथ्स को आपको जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको ऐसे सिलेक्ट करने हैं खुद के लिए टॉपिक्स, पढ़ना सब है पर मास्टरी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में कर लीजिए, जो आपको लगता है कि यस अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आया आई विल नॉट लूज माई मार्क्स, मतलब मैं उसको अटेम्प्ट करके ही आऊँगा और मार्क्स पूरे लेके आऊँगा उसमें, ऐसे इतने परफेक्शन के साथ उसको प्रिपेयर कर लेना है। भले आप 5 टॉपिक ही प्रिपेयर करो 8-10 में से, पर वो 5 परफेक्ट होने चाहिए कि वहाँ से मार्क्स नहीं जाएँ। और मैथ्स वाले बच्चे ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स इन दिस एंटायर पेपर, क्योंकि आपके लिए ये एक अपर हैंड है, बाकी सब में तो आप सब इक्वल हो। अकाउंट्स जो मैथ्स वाला पढ़ता है वही नॉन मैथ्स वाला पढ़ता है, ठीक है। लॉ आप सबके लिए ही नया है तो आप सभी क्वालिटी पे हो, एट पार। इकोनॉमिक्स आप लोग 11th 12th में जो पढ़ कर आए हो वो, और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स, तो वो सब कुछ सेम ही होगा मैथ्स और नॉन मैथ्स। देन BCK है, थोड़ा सा इंग्लिश वाला पार्ट है, सब कुछ आपके लिए सेम है, बस एक मैथ्स वाले का और नॉन मैथ्स वाले का एक अपर एडवांटेज मैथ्स वाले को क्वांट वाले पेपर में ही आता है, तो यहाँ से वो बेसिकली अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। विल बी स्टार्टिंग इन अ वेरी 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 स्लो मैनर सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। आई वॉन्ट यू पीपल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड LR, बिकॉज मैक्सिमम यू आर नॉन मैथ्स पीपल। सो अगेन आप लोग थोड़ा सा जैसे ही मैथ्स पढ़ने लगोगे थोड़े टाइम बाद बोलने लग जाओगे हमें मैथ्स समझ नहीं आ रही, हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपके लिए फिर वो स्टैट्स ही एक लाइफ सेवियर रहेगी, बट मैथ्स आपको पढ़नी है, क्योंकि अगेन पूरे मार्क्स ज़रूरी नहीं है ना, आप भी गारंटी ले लो कि मैं स्टैटिस्टिक्स में फुल 40 ले आऊँगी, ऐसी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। एंड यू नेवर नो ICI, ठीक है। सो अगेन नाउ चैप्टर वाइज वेटेज ऐसी कुछ नहीं दे रखी है, देखो यहाँ पे, सो हर बार अलग अलग वेटेज चलती है चैप्टर की, सो आपको हर चैप्टर को इक्वली प्रिपेयर करना है, किसी में भी नहीं है हमारे मैथ्स स्टैट्स LR किसी में भी चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, सो आपको हर चैप्टर को इक्वल वेटेज से ही पढ़ना है। नहीं तो अपन लोग स्कूल के एग्जाम्स के लिए तो वेइंग सिस्टम के हिसाब से ही पढ़ते हैं कि भाई जो ज़्यादा वेटेज का है उस वाली यूनिट को पहले फिनिश करेंगे, कम वेटेज का उसको लास्ट में देख लेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एवरी चैप्टर हैज़ इक्वल वेटेज, मतलब यही मान के चलना है, क्योंकि स्पेसिफिक वेटेज असाइन नहीं है। एग्जाम में हो सकता है किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन हो, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से कम हो, राइट। चलें आगे। ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सम जनरल थिंग्स अबाउट स्टैटिस्टिक्स, कुछ स्पेसिफिक जनरल बातें ही बात करेंगे, सो दैट वो मेरी आगे की क्लासेस के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह डील करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? आप लोगों ने सबने पढ़ा भी है, आपके इकोनॉमिक्स में था स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारा थ्योरी भी पढ़ कर आए हैं, क्लास 11th में था स्टैटिस्टिक्स पार्ट, है ना। सो उसमें आपने स्टैटिस्टिक्स बेसिकली किससे डील करता है? डेटा से। अच्छा, एक ही डेटा होता है, मल्टीपल डेटा होता है ना। सो कैन आई से स्टैटिस्टिक्स डील्स विद कलेक्शन ऑफ डेटा,
है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा से डील करता है, मतलब एक कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ डेटा, सेट ऑफ डेटा, और इस डेटा की एक एक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, करेक्ट, ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कुछ की टर्म्स बता रही हूँ मैं तो आपको, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग, आई वॉन्ट अ सेपरेट कॉपी फॉर स्टैट्स एंड एलआर, मुझे उसके अंदर ना मैथ्स का काम चाहिए, ना मुझे उसमें अकाउंट्स का काम चाहिए, ना मुझे लॉ का काम चाहिए, ठीक है। एक कॉपी बनाएगा स्टैट्स और एलआर की, उसमें सी आई विल मेक यू राइट एवरी थिंग इन द क्लास, आपको बुक खोलने की नीड नहीं है, मॉड्यूल आप तभी खोलिए जब आपको क्वेश्चंस करने दूँ, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। सो वेन एवर यू स्टडिंग एंड इन द एंड फॉर योर एग्जाम्स, आपके पास एवरी थिंग विल बी इन योर कॉपी, ठीक है। जो मुझे प्रिंटेड देना है वो मैं प्रिंटेड दूंगी, बट जो मुझे लिखवाना है वो कॉपी में रहेगा, एवरी सोल्यूशन विल बी देयर इन द कॉपी, ठीक है। होमवर्क कर रहे हो तो होमवर्क क्वेश्चंस को भी स्टैट्स की कॉपी में ही सॉल्व करो, चाहे रफली भी कर रहे हो ना तो भी उसको स्टैट्स की कॉपी में करना, ऐसे नहीं कि मैं उस पेपर पे करके आ गया, पेपर पे करा तो पेपर चिपका देना, ठीक है। सो दैट वेन एवर यू आर स्टडिंग इन द एंड आपका सोल्यूशन हमेशा रेडी रहेगा, आपका जो भी सोल्यूशन था हमने क्लास में कराया था, कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं जो हो सकता है आप लास्ट में जाके भूल जाएं, तो आपके पास एक जगह है कि यस यहाँ पे सोल्यूशन है, एक बार देख सकते हैं, ठीक है। सो मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर स्टैट्स एंड एलआर, एलआर और स्टैट्स की सेम चलने देना, ठीक है, देयर इज नो इशू। सो कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशंस, ये हमने देखा ऑब्जर्वेशंस होती हैं बहुत सारी, ठीक है, उनको ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं डेटा की हर वैल्यू को, ठीक है। नाउ सिंगल डेटा क्यों नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स में, हमेशा मल्टीपल डेटा ही क्यों चाहिए, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही क्यों चाहिए, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही क्यों चाहिए, टू कंपेयर। बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिक्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, क्योंकि हम डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा हमको हवा में तो मिल नहीं जाएगा, है ना, या दुकान पे मिल नहीं रहा कि पैसे दिए लेके आ गए, वो वाला हिसाब भी नहीं है। डेटा रिक्वायर फर्स्ट कलेक्शन, ऐसे मिल नहीं रहा है ऐसे यहीं पड़ा हुआ है, नहीं, अगर मुझे आप लोगों के मार्क्स को भी स्टडी करना है तो मुझे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं पूछूंगी फातिमा के कितने हैं, परिधि के कितने हैं, डॉली के कितने हैं, शारन के कितने हैं, आपके दीपांश के कितने हैं, ऐसे सबसे एक 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 से पूछूंगी और मैं अपने नोट डाउन करूंगी। सो दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। सो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन, ठीक है। फिर इस कलेक्शन के बाद पता है हम क्या करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, डेटा की छटनी करते हैं, छटनी इन द सेंस यार मैंने ना किसी को भेजा कि जाओ है ना सब अकाउंटेंसी और मैथ्स के मार्क्स लेके आ जाओ सब बच्चों के, पर क्या वो जब लेने गया ना वो भूल गया कि मैम ने कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स लाने बोला था, तो उसने सोचा यार क्या पता कौन सा सब्जेक्ट बोला, सारे सब्जेक्ट ले चलता हूँ मैं, तो सारे सब्जेक्ट लेके आ गया, एवरी सब्जेक्ट, पर मुझे तो सिर्फ अकाउंटेंसी और मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने क्या किया, मैंने हटा दिए बाकी सारे मार्क्स, इकोनॉमिक्स, बीएस, इंग्लिश, वो मुझे नहीं चाहिए, सो आई हैव रिमूव्ड ऑल ऑफ देम। सो दैट इज छटनी, मेरे हिसाब से मेरे को जो डेटा चाहिए था वो मैंने उसमें से ऑब्टेन कर लिया, ठीक है, छटनी करी। दूसरा होता है कि स्क्रूटनी करी मैंने उसकी, स्क्रूटनी इन द सेंस मैंने उसको वेरीफाई किया कि करेक्ट तो लिखा है नहीं लिखा है, भाई 50 नंबर का पेपर था यार, ये एक वैल्यू लिख के लिखा है 55, कैसे हो सकती है 55, 50 नंबर के पेपर में ये 55 वैल्यू हो कैसे सकती है, तो मैं उसको बोलूँगी यार तूने गलत वैल्यू लेके आया, जब उससे वापस पूछ क्या, दैट इज स्क्रूटनी, कि ऊपर से देखने पे ही मुझे पता चल गया कि ये गलत वैल्यू है, ठीक है। तो समटाइम्स या फिर उसने ना टोटल ऑफ मैथ्स एंड अकाउंटेंसी लिख रखा है, मैथ्स में मार्क्स है उसके 60, ठीक है, और अकाउंट्स में उसके मार्क्स है लेट्स से 65, तो और यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है और टोटल लिखा है उसने 135, तो फिर हम चेक कर लेंगे ना कि यार तूने ये रो शायद गलत कॉपी करी है, उससे जिससे भी तू मार्क्स लेके आया तो शायद ये रो गलत ही लेके आया, या मान लो ये इसके विधि के मार्क्स हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, जाके एक बार चेक करके विधि के मार्क्स क्या है, या तो ये 125 टोटल होना चाहिए या फिर तू ये दोनों मार्क्स गलत लिख के लेके आया, ठीक है। सो दिस इज वॉट स्क्रूटनी, स्क्रूटनी में हम ऊपर से हमारे डेटा को देखते हैं कि क्या उसने जो डेटा कलेक्ट करके दिया है वो सही करके दिया है नहीं दिया है। जब मैं खुद कर रही हूँ तो मुझे तो मेरी मिस्टेक्स पता चल जाएंगे, पर यार इतना सा डेटा थोड़ी ना होता है कि मैं अकेली कर लूँ। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम बड़े बड़े सर्वेज की भी बात कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि अजमेर में हाइड एंड सीक की कितनी सेल होती है, तो यार मैं अकेली थोड़ी ना एक जनरल स्टोर के पास जाऊँगी कि यार हाइड एंड सीक तो कितना बेचता है एक दिन में, तो कितना बेचता है, अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ लोगों को हायर कर लेती हूँ, मैं पैसे दूंगी तुम जाके पूछ के आओ, ठीक है। सो जब हम लोगों से काम करवाते हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ चीटिंग ऑल्सो,
ठीक है। अब भाई मैंने इसको शायरन को पैसे दे दिए, जा है ना 15 दुकानों पर जाके पूछ करा। अब शायरन ने 15 दुकान के पैसे तो ले लिए मुझसे, पर है ना शायरन ने करी काम चोरी, ये गई नहीं 15 दुकान, गई 2 दुकान पे और फिर बाद में कॉपी पेस्ट मार दिया रैंडमली। तो मैं एक अच्छी स्टैटिस्टिशियन तभी होंगी जब मैं इसकी चोरी पकड़ लूँ कि शायरन आपने ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट किए हैं। जैसे मुझे आइडिया होगा कि इसने है ना ऐसी दुकान का लिखा है कम सेल, जो दुकान तो बहुत बड़ी सारी है, बहुत फेमस दुकान है, और उसकी सेल इसने कम लिखी है, इसका मतलब इसने चीटिंग करी है। भाई एक आइडिया है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छी सी दुकान बोलो जो बहुत चलती है। अच्छा चलो हमारे यहाँ बाहर है ना एक सिंधी की दुकान है, सिंधी की दुकान बड़ी फेमस है ना, और बिल्कुल रोड पे ही है, बहुत जने रुकते हैं यार, बहुत सारे जने, ठीक है। अगर कोई उस पर लिखे कि उसके वो एक दिन का सिर्फ 2 ही हाइड एंड सीक बेचता है, तो मैं मानूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि यार इतनी चलने वाली दुकान कम से कम एक दिन के 20 तो बेचता ही होगा, और है ना हैपनिंग जगह पे, मतलब यहाँ पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है। अभी कोई बोले कि यार हमारी दुकान जनाना हॉस्पिटल के सामने है, वहां पे हाइड एंड सीक के पैकेट अगर 2 बिकते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, हाँ ठीक है यार वहां पे लोग लोग जो आते हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी, या वो हाइड एंड सीक भी नहीं समझते होंगे, वो पार्ले जी मोनैको समझते हैं, ठीक है। तो इतना आइडिया उस स्टैटिस्टिशियन को होना चाहिए। सो फॉर स्क्रूटनी ऑफ डेटा नो एक्सपर्ट, नो वी कैन से नो स्किल, नो नॉलेज और नो एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है? स्किल और एक्सपर्टीज। शार्क टैंक में बोलती है ना नमिता थापर, आई डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज इन दिस। सो यहाँ पे स्टैटिस्टिशियन के अंदर ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और वो विद टाइम आती है, जैसे जैसे उसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसको पता चलता जाता है ना कैसी कैसी मिस्टेक होगी, सो वो उधर से पकड़ लेता है। सो अगर वो जनाना हॉस्पिटल के सामने वाली शॉप है और वो लिख रहा है 2 हाइड एंड सीक, तो मैं रेडली एक्सेप्ट कर लूंगी कि हाँ यार 2 तो बस 2 ही बिकेंगे, इससे ज्यादा नहीं बिक सकते वहां पे, कि वहां लोग ही ऐसे आते हैं जो नहीं खरीद सकते, ठीक है, वो पार्ले जी मोनैको को समझते हैं। पर अगर ये सिंधी वाली दुकान का बोल रहा है कि ये 2 ही हाइड एंड सीक एक दिन में बेच रहा है, तो फिर मुझे डाउट होएगा कि ये गलत लेके आई है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़िया है, दूसरा जो शॉप की लोकेशन है वो इतनी बढ़िया है कि वहाँ पे रोज के कम से कम 50, 100, 200 कस्टमर्स तो रुकते ही हैं। तो सिर्फ 2 हाइड एंड सीक बिकना बहुत गलत बात है। सो हम उसको बोलेंगे जा शायरन वापस लेके आ, या आपने चोरी करी है, आपने काम चोरी करी है, आपने चीटिंग करी है, तो आपके पैसे डिडक्ट हो गए, दैट वेज। सो दैट इज बेसिकली स्क्रूटनी ऑफ डेटा। स्क्रूटनी ऑफ डेटा में हम ये चीजें पकड़ते हैं, क्योंकि अगर आप गलत डेटास को यूज करोगे तो आपके रिजल्ट्स भी गलत निकलेंगे। सो दैट्स व्हाई आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा वी डू स्क्रूटनी, ठीक है। नाउ स्क्रूटनी के बाद वंस वी हैव डन दिस, ये ओवरव्यू होता है, ऊपर ऊपर से मिस्टेक्स पता चल गई, देन आफ्टर दैट हम लोग हमारे डेटा को है ना क्लासिफाई करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं। काफी अनऑर्गेनाइज डेटा लेके आई थी डॉली मेरे पास, ठीक है, किसी भी बच्चे का कभी भी लिख के ले आई, तो मेरे को है ना, पर आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन दैट डेटा। उसके लिए तो सिर्फ डेटा था कि डेटा कलेक्ट करके ला के दे दिया, उसको कुछ नहीं करना उससे, पर मुझे तो उस पर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो आई वॉन्ट माई डेटा इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। ऑर्गेनाइज मैनर इन द सेंस डॉली ने तो क्या किया, विधि के यहाँ मार्क्स लिख दिए, ठीक है, फिर नीचे परिधि के मार्क्स ऐसे लिख दिए, इको BS 40 75 और टोटल यहाँ लिख लिया जो भी है, ठीक है, परिधि। ना ऐसे रैंडमली किसी भी हेडिंग के अंदर कुछ भी लिख के लेके आ गई डॉली तो मुझे, पर ये तो गलत है ना, आई वॉन्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अंडर स्पेसिफिक हेडिंग्स, है ना। सो अभी क्या है यार मैं कितनी कंफ्यूज हो जाऊंगी, यार 60 मैथ्स के नीचे इको लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? सो दिस इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टास्क क्या होगा मेरा? ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन, कि मैंने पर्टिकुलर बेसिस पे मेरे डेटा को क्लासीफाई कर दिया और सबको ऑर्गेनाइज करके रख दिया एक जगह पे, एक एक टेबल जैसा बना लिया, या एक तरफ एक डेटा लिख लिया, एक तरफ एक डेटा लिख लिया, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो आफ्टर दैट वी हैव क्लासिफाइड आवर डेटा, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज, सॉरी डी नहीं लिखूंगी, ऑर्गेनाइज द डेटा और क्लासिफाई द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरीज जो भी आपको स्टडी करना है, जैसे क्लासिफाई, ठीक है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यार शी इज वेंट टू सम हॉस्पिटल, फातिमा किसी हॉस्पिटल में गई, एंड हमें है ना नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न देखना है, ठीक है,
और ये लिख के लेके आ गई, शी रोट की भाई इस दिन है ना सुबह में एक मेल बच्चा हुआ, फिर एक फीमेल बच्चा का बर्थ हुआ, फिर मेल बच्चे का हुआ, फिर फीमेल, ऐसे करके इसने लिख लिया। पर यार ऐसे लिखा है एक मेल फिर फीमेल फिर मेल फिर फीमेल, तो यार मेरे को समझ नहीं आया टोटल मेल कितने हुए टोटल फीमेल कितने हुए। तो मैंने एक हेडिंग बना दी कि भाई मेल और फीमेल, और फिर उसके आगे लिख लिया हाँ आज, जैसे आज की क्या डेट है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को 15 मेल बच्चे हुए और 20 फीमेल हुई। फिर मैंने नेक्स्ट डेट बना ली जैसे 2 अप्रैल को, ऐसे उसको 4-5 दिन के लिए भेजा, ठीक है 10 बच्चे मेल हुए और 8 बच्ची फीमेल हुई, ठीक है। सो ऐसे करके आई हैव ऑर्गेनाइज द डेटा। ये तो क्या हर दिन ऐसे लिख के लेके आ गई थी कि 1 अप्रैल मेल, ये बैठ गई थी कि हॉस्पिटल में जाके बस मेल हुआ फिर फीमेल, मेल मेल फीमेल, ऐसे लिख के ले आई। सो इन दैट वे मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ यार, ऐसे मेल फीमेल ही ढूंढती रहूंगी, ठीक है। सो जब मैंने उसको ऐसे क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, या ऑर्गेनाइज कर दिया और डेट वाइज भी ऑर्गेनाइज कर दिया, तो अब मैं इसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर सकती हूँ। अब अगर दीपांश मुझसे पूछता है मैम 2 अप्रैल को कितनी गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुई, तो मैं बता सकती हूँ ना हाँ 2 अप्रैल को 8, एक बार में देख के बता सकते हो। अदरवाइज क्या करती मैं, 2 अप्रैल पे जाती फिर कितनी फीमेल हुई काउंट करती और फिर आंसर करती, दैट इज रॉन्ग। सो हमको हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज या क्लासिफाई करना पड़ता है। द नेक्स्ट, वंस वी हैव ऑर्गेनाइज्ड, वी हैव टू प्रेजेंट आर डेटा, वी हैव टू प्रेजेंट इट समवेयर। हम खुद के लिए भी यूज करेंगे तो भी हम उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन में जाएंगे। सो प्रेजेंट, अब ये आपकी आवश्यकता के अनुसार प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करना है, कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करना है, तो वो टेबल के फॉर्म में ही यूज़ होता है। अगर आपको कोई रिपोर्ट लिख के देनी है कि भाई मैंने कोई सर्वे किया ऑन द जेंडर ऑफ न्यू बॉर्न्स है ना, तो मैं कोई सर्वे पे हूँ मे बी लेट से, सो मेरे को सर्वे की रिपोर्ट लिख के देनी है। आपने देखा होगा ना रिपोर्ट लिखते हैं हम लोग कमीशन में, इंक्वायरी कमीशन वगैरह की जो रिपोर्ट्स होती है, क्लास इंग्लिश में लिखी भी होंगी शायद रिपोर्ट राइटिंग है ना। सो इन दैट यू राइट दी स्पेसिफिक फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स ओनली। अब पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे कि भाई ऑन 1 अप्रैल 15 मेल चाइल्ड एंड 20 फीमेल चाइल्ड वर बॉर्न, ऑन द कॉन्ट्ररी ऑन द 2 अप्रैल लेट्स से 10 मेल चाइल्ड एंड अ टोटल ऑफ लेट्स से 18 चाइल्ड चिल्ड्रन वर बॉर्न, आउट ऑफ दैट 10 वर मेल एंड 8 वर फीमेल। तो आप एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हो जब आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है तब, ठीक है। पर अगर हमको कोई टूल यूज करना है स्टैटिस्टिक्स का, जैसे मेरे को टोटल निकालना है, तो मैंने ऐसे टेबल के फॉर्म में लिखा, ठीक है। कई बार हमको है ना इन अ प्रेजेंटेशन दिखाना है कि भाई मैं कोई प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ कि भाई कैसे कितने बच्चे कौन से जेंडर्स के कितने कितने बच्चे बॉर्न हो रहे हैं ऑन कितनी कितनी डेट्स, तो क्या मैं जब प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मेरे को ज़्यादा अट्रैक्टिव या ज़्यादा अच्छा मेथड क्या लगेगा कि मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम दिखाऊं, कि पाई चार्ट बना दिया मैंने कि भाई एक हर दिन का पाई चार्ट 1 अप्रैल 2 अप्रैल, पाई चार्ट से और अच्छा दिखेगा कि हाँ भाई मेजर सेक्शन अगर मेल का है तो उस दिन मैक्सिमम मेल चाइल्ड बॉर्न हुए, किसी दिन मैक्सिमम फीमेल चाइल्ड बॉर्न हुए, जितना आपको पाई चार्ट दिखेगा। अलग अलग चार्ट्स यूज कर सकते हैं आप, अलग अलग डायग्राम्स यूज कर सकते हैं इफ़ यू आर गिविंग सम प्रेजेंटेशन। सो अगेन मैंने बोला आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आप आपका मोड ऑफ प्रेजेंटेशन चूज करोगे। स्टैटिस्टिक्स में 3 होते हैं, आप आपकी आवश्यकता के अनुसार करोगे। पर हम तो अभी स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने की बात करें, तो अगर हमको टूल्स यूज करने हैं तो हमको टेबल के फॉर्म में करना पड़ेगा, ऐसा टैबुलेट करना रहेगा अंडर वेरियस हेडिंग्स, हम उनको टैबुलेट करेंगे, राइट। सो आपके प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका कोई भी आपको जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड उस पर अप्लाई करना है, क्योंकि अब हमारा डेटा उस पॉइंट पे आ चुका है जब आप उसको यूज कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, आप इस पर कोई स्टैटिस्टिकल टूल लगाएंगे। अब जो भी टूल आपको, मान लो एवरेज निकालना है कि भाई एवरेज कितने लड़के पैदा हुए 10 दिन में, एवरेज कितनी लड़कियां पैदा हुई 10 दिन में, दैट यू कैन डू, ठीक है। किस दिन ज़्यादा मेल किस दिन ज़्यादा फीमेल चाइल्ड बॉर्न कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप मैक्सिमम किस दिन बच्चे पैदा हुए वो निकाल सकते हो, टोटल चाइल्ड बॉर्न निकाल सकते हो। सो ऑल दैट, ऑल दीज मैन्यूपुलेशंस, ये सारी मैन्यूपुलेशंस आती है आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स में, ठीक है। सी फॉर एग्जाम्पल आप अपने एक्सपेंडिचर को स्टडी कर रहे हो, आपका एक्सपेंडिचर अंडर वेरियस हेड्स। सी फॉर एग्जाम्पल आप हर रोज है ना अपने मोबाइल के जो बिल्स है उस पर ज़्यादा पे कर रहे हो, ठीक है, या आप अपने क्लोथिंग पे ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो। सो आप जब उसको ओवरऑल स्टडी करते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है, यार आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑन माई क्लोथिंग्स,
आई एम गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मोबाइल बिल. सो आप है ना, पता है, उस हिसाब से अपनी आगे की पॉलिसीज डिफाइन करते हो. यार मोबाइल बिल को थोड़ा कम करना है, थोड़ा कम यूज़ करूँ, ठीक है, जहाँ वाईफाई मिल जाए वहाँ वाईफाई यूज़ करूँ, कॉल की जगह मिस्ड कॉल से काम कराऊँ, ठीक है. सो दैट वेज यू यू बेसिकली मॉनिटर, राइट. आप आगे की मैं बिल्कुल बच्चों वाली पॉलिसी बता रही हूँ, ऐसी नहीं, ये आपके समझने के लिए. बट जनरली हम लोग स्टैटिस्टिक्स जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसीज डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. अभी के लिए हम आपके लेवल पर बात करें तो, अगर आपको किसी दिन पापा बोल देते हैं तुम्हारे मोबाइल के रिचार्जेस का पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, उस दिन आपको एक एक अलार्म बज जाता है ना आपके सिर में कि यस, थोड़ा पैसा बचाना है इस पर, कि पापा नेक्स्ट टाइम नहीं बोले. या फिर कई बार ऐसा होता है, पापा को तो पता है घर का बिजली का बिल मान लो 4,000-5,000 आता है, और पापा को पता है जब गर्मी आती है, मई जून का महीना है, उस टाइम पर डेफिनेटली एसी ज़्यादा चलता है, उस महीने में 6,000 तक पहुँचता है हमारा बिल, अदरवाइज हमारा 4,000 के आसपास आता है, कभी 3,500 कभी 4,500 बस, ठीक है. अब किसी महीने, ना तो वो मई जून है, किसी महीने 6,000 का बिल आ गया, लेट्स टॉक अबाउट अक्टूबर, 6,000 का बिल आ गया, पापा क्या गुस्सा करते हैं, ना तो एसी चल रहा है, सिर्फ पंखे चल रहे हैं, और तुम्हारा बिल आ रहा है 6,000 रुपये. तुम लोगों को होश नहीं रहता, लाइटें चालू छोड़ जाते हो, पंखे चालू छोड़ जाते हो, दिन भर टीवी चलता है, ऐसे पापा डांटते हैं. सो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स व्हाट यू स्टार्ट डूइंग, यू ट्राई टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. जिस दिन आपको डांट पड़ती है, आप उसी दिन से आप ये ट्राई करते हो कि यार मैं वेन एवर आई एम नॉट इन माई रूम, मैं लाइट ऑफ करके निकलूँ. पहले शायद आपकी आदत नहीं होगी, पर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में वो चेंज ला रहे हो. मैं छोटे लेवल की बात कर रही हूँ अभी. अब मान लो मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और मुझे मेरी एक्सपेंशन पे जाना है, बिजनेस एक्सपेंशन पे, या लेट्स टॉक अबाउट सेल्स पे जाना है ना, तो मैं मालूम करूँगी कि भाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है मेरे प्रोडक्ट की. जहाँ पे अच्छी बिक्री हो रही है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा बनाऊँगी कि उस जगह पे रेगुलरली प्रोडक्ट मेरा पहुँचे और वहाँ पे कभी सप्लाई बंद ही ना हो, सो दैट वहाँ बिक्री होती रहे, राइट. सो ये सब चीज़ें कैसे आती है, जब आपने स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया और उसको मैन्युपुलेट करके आपने ये मालूम किया कि कहाँ सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, राइट. सो स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं हम इसके बाद. फिफ्थ इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. एंड आफ्टर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स, वी पुट फॉरवर्ड सम कंक्लूजन्स. ठीक है, समझ आई ये बात कि क्या हुआ. वंस यू हैव अप्लाइड सम स्टैटिस्टिकल टूल, उसके बेसिस पर हम हमारे इन्फरेंसेस निकालते हैं कैसे, या पॉलिसीज बनाते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको मोबाइल बिल का एग्जाम्पल दिया कि आप अपने मोबाइल बिल को कैसे कम कर सकते हैं, कि भाई वही चीज़ें मैंने आपको बताई, इंटरनेट की जगह आप वाईफाई यूज़ कीजिए. ऐसे आप अपने लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं. वैसे ही हम अगर बिजनेस की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट को पता चला यार बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इस पर्टिकुलर स्टेट में, तो पता है गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की पॉलिसीज लॉन्च करेगी उस पर्टिकुलर स्टेट में. किसी स्टेट में उन्हें पता चला कि यहाँ एजुकेशन बहुत कम है, तो हो सकता है गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि वहाँ ज़्यादा स्कूल्स या सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करें, वहाँ टीचर्स की ज़्यादा भर्ती करें, सो दैट स्टूडेंट्स तक एजुकेशन पहुँच सके. सो अकॉर्डिंगली द पॉलिसीज आर मेड, उसे हम बोलते हैं कंक्लूजन. सो बेसिकली देखो, आप स्टैटिस्टिक्स एंड तक काम आई है. आपने जैसे डेटा कलेक्ट किया, आपके मेजर जो डिसीजंस हैं आप वो स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से कर सकते हैं. सो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल इन एवरी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी. मैं आपके लेवल से, आपके घर के लेवल से, आपके बिजनेस के लेवल से, इकोनॉमिक्स के लेवल से, और कंट्री लेवल तक पहुँच गई. हर जगह मैंने आपको एक स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल दिया है. एक छोटा सा बिजनेस पर्सन भी और एक बड़ा सारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेगा. हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर जगह स्टैटिस्टिक्स यूज़ करती है. हमने देखा होगा ना, नेताजी भाषण देते हैं जब भी, जैसे अभी इलेक्शन आएंगे, ठीक है, जब नेताजी अलग अलग रैलीज होती हैं, आपको पता है आजकल तो कितनी रैलीज होती हैं, है ना, और बड़ी बड़ी वो सभाएं होती हैं, है ना, वहाँ पे कोई बड़ा सा स्पीकर आता है, कोई बड़ा नेता आता है, ठीक है, वो आता है और है ना, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं. तो पता है हर नेता अपने नंबर्स और फिगर्स बताता है. हर नेता बोलेगा हमारा, जब हमारी सरकार के दौरान हमने इतने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट किए, हमने इतने लोगों को पढ़ाया, है ना, ये सब. या फिर विपक्ष की सरकार के टाइम पे इतने लोगों ने भुखमरी
फेस करी, इतने लोग अनएम्प्लॉयड रह गए. ये सब क्या है? नंबर्स. ठीक है, ये सब क्या है? स्टैटिस्टिकल वैल्यूज. डेटा कलेक्ट किया होगा उन्होंने, उसको रिफाइन किया, सब जगह से इकट्ठा किया, उसको अक्यूमुलेट किया, एक सिंगल डिजिट पे लेके आए और आपके सामने वो डिजिट एक्सप्रेस किया. समझ आया? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कंक्लूडेड. उन्होंने कलेक्ट किया था, स्क्रूटनाइज किया, ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें उसको अक्यूमुलेट करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया. वो सिंगल डिजिट वो आपके सामने एज अ कंक्लूजन लेके आए कि हमने क्या, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि विपक्ष की सरकार के दौरान बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट था. एक सिंगल डिजिट से हम ये बताना चाह रहे हैं. इतने परसेंट जब वो बोल रहा है तो आप परसेंटेज से अंदाजा लगा लेते हो, 80% अनएम्प्लॉयमेंट था. तो आप क्या मन में क्या सोचोगे कि ये एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं जनरेट कर पाई और अच्छी सरकार नहीं थी. दीज आर कंक्लूजन्स. सो आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का यूसेज या एप्लीकेशन एवरी सेक्टर होता है. एवरी स्टडी, साइंस, रिसर्च, ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब तो साइंस की बात हो गई. आप लोगों की इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा ये होता है. आजकल के मैनेजर्स MBA, कितना ज़्यादा डिमांड है MBAs का. सो MBAs, अगर आप CA के बाद MBA कर दे तो मतलब आपकी सैलरी डबल ट्रिपल हो जाए, ऐसा होता है. आप इंजीनियरिंग के बाद MBA कर रहे हो तो आपकी सैलरी डबल ट्रिपल हो जाए. द रीज़न बीइंग, MBA के अंदर बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती है जो इस डेटा को ही मैनेज करना बताती है. ठीक है, ये मार्केटिंग है ना, मैनेजर्स आजकल इसीलिए इतनी डिमांड है क्योंकि आजकल कोई भी बिजनेस पर्सन लॉस तो देखना ही नहीं चाहता है. पहले के ज़माने में तुमने सुना होगा ना कि तुम्हारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कितनी बार बोलते होंगे, हमने ये वाला धंधा चालू किया था, हमारा धंधा बिल्कुल ख़राब हो गया है ना, बहुत लॉस खाया हमने, हमारी ज़मीन बिक गई. ठीक है, फिर आपने सुना होगा वो हमने फिर दूसरा धंधा चालू किया, उसमें हमको लॉस हुआ, हमको हमने बिल्कुल स्क्रैच से चालू करके आज ये धंधा बनाया और आज हम यहाँ पहुँच गए. ये बहुत पुराने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वहाँ तक की ये स्टोरीज है. बट एट दिस, इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन, इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड, यू नो, पीपल इन्वेस्ट मनी एंड दे एक्चुअली गेट रिटर्न्स. द रीज़न बीइंग, आज के लोग इतना समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं, एक रुपया भी इन्वेस्ट करने से पहले वो 10 जगह पहले सर्च करेंगे बिकॉज ऑफ दी डेटा अवेलेबल. पहले के ज़माने में ये सब डेटाज अवेलेबल नहीं होते थे. आजकल आप इंटरनेट पे जाइए, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है. एक शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए भी आप 100 जगह पहले सर्च करते हैं, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं. पॉलिसीज़, हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे जाते हैं, इवन देयर ऑल्सो डेटा अवेलेबल है. स्टैटिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आप उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी डिसाइड करते हो कि यार मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा, इतना कंक्लूजन देखते हो कितना आ जाएगा, सो आई विल इन्वेस्ट इन दिस पॉलिसी. सो आप देख सकते हैं आपकी इंडस्ट्री में, कॉमर्स इंडस्ट्री में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत जगह यूज़ है. इकोनॉमिक्स इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच होती है जो स्टैटिस्टिक्स के साथ ही डील करती है, इसीलिए आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है. देन मैनेजमेंट में आपका स्टैटिस्टिक्स रोल प्ले करता है. सो स्टैटिस्टिक्स एज अ होल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई बात समझ में? सो स्टैटिस्टिक्स की आपको स्टेप समझ आई? हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ऐसी ही बात करेंगे इन दिस वे, और हम लोग जो बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में होंगे. स्टैटिस्टिकल टूल्स और मेथड्स, यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स है ना, एनालिसिस डन बाय स्टैटिस्टिकल टूल्स. इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये तो बच्चों में सुन के आए हो तुम बचपन में ही. अब हम लोग जैसे कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब आप लोग अभी 11th में टर्म्स पढ़े थे. कोरिलेशन तो आपने थोड़ा पढ़ा भी है, एक दो मेथड्स है ना, हम और मेथड्स देखेंगे कोरिलेशन के. सो ऑल दैट वील बी डूइंग अंडर दिस स्टैटिस्टिकल टूल्स. सो अलग अलग चैप्टर्स है फॉर दीज स्टैटिस्टिकल टूल्स. आई बात समझ में? एप्लीकेशन समझ आया ना? अब हम इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक्स भी देखते हैं. अब इतने सारे एडवांटेजेस ही थोड़ी ना होते हैं हर चीज़ में, कुछ अच्छाई थोड़ी ना होती, बुराई भी होती है, राइट? सो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी थोड़ी सी लिमिटेशन है. बेसिकली बुराई नहीं कहेंगे हम, लिमिटेशन मतलब आप हर जगह भी नहीं यूज़ कर सकते हो. ठीक है, कुछ कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स हैं जहाँ पे वो नॉट यूजेबल टाइप्स हो जाता है. जैसे कि जब आपका सिंगल डेटा ही हो, जब सिंगल डेटा ही हो तो स्टैटिस्टिक्स का कोई काम ही नहीं है यार, कुछ कर ही नहीं सकते हो. क्या करोगे? प्लस प्लस क्या, प्लस खुद से प्लस करोगे? नो. कंपेयर,
कौन ज्यादा कम है वो भी नहीं कर सकते। सो सिंगल डेटा जब आपके पास है तो स्टैटिस्टिक्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो सिंगल डेटा प्लेज नो रोल इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन, यू कैन राइट, इवन यू कैन राइट योर लिमिटेशंस। फर्स्ट डील्स विथ एग्रीगेट only single value is of no use. इससे मैं दोनों चीज आपको कम्युनिकेट कर पाई हूँ। नेक्स्ट जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो यार ये जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं ना, ये ज्यादातर मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो क्या जब आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है ना, तो ये बहुत बढ़िया है स्टैटिस्टिक्स। पर मान लो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है जब, तो उस सिनेरियो में हम कहते हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्वालिटेटिव डेटा इन द सेंस आपकी स्मोकिंग हैबिट्स, येस और नो, दिस इज अ क्वालिटी। आपकी ईटिंग हैबिट्स, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या एगिटेरियन हो, दिस इज अ क्वालिटी। आपका कॉम्प्लेक्शन, अब स्केलिंग तो मैं फेयर एंड लवली का थोड़ी ना वो लेके आऊंगी यहाँ पे कि स्केल कर रही हूँ यहाँ पे 1 to 10 आता है ना फेयर एंड लवली के एड में। अब तो फेयर एंड लवली नहीं है, क्या नाम ही चेंज हो गया है, ग्लो एंड लवली हो गया, वो इसी वजह से हुआ है, ठीक है। सो वो स्केल थोड़ी ना लाएंगे, कॉम्प्लेक्शन तो क्या लिखते हैं, तीन ही शब्द लिखते हैं, फेयर वीट डार्क, वीटिश एंड डार्क, तीन ही शब्द यूज करते हो। किसी बच्चे के लिए मैम बोलती है गुड स्टूडेंट है, अब गुड का मतलब क्या हुआ, बस एक क्वालिटी बता दी, हाँ भाई बढ़िया स्टूडेंट है। एक मैम बोलती है पुअर स्टूडेंट है, तो क्वालिटी बता दी, हाँ ये पुअर, एवरेज है, एवरेज, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। इसमें कोई मार्किंग स्कीम नहीं है, है ना। सो हम ये सोचते हैं ना कि एक्सीलेंट है, हाँ सर सुपर इंटेलिजेंट टाइप बच्चा होगा, पुअर मतलब यार इसके मार्क्स बहुत कम आते होंगे, फेल होता होगा, पुअर स्टूडेंट हो गया। एवरेज मतलब इसके बीच के मार्क्स आते होंगे 50-60 नंबर, ऐसा आप दिमाग में लगा लेते हो, पर आप एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं आ पाते हो। सो अगेन स्टैटिस्टिक्स का जो इंपॉर्टेंस आता है ना, वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए तो आता है, पर क्वालिटेटिव डेटा की जब आती है ना बात, तो वो थोड़ा सा फेल हो जाता है, क्योंकि टूल्स आप वर्ड्स पे नहीं लगा सकते हो, ऐड सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, राइट। सो स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डील्स विथ क्वांटिटेटिव डेटा, पर इसमें जुगाड़ है। स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव डेटा जब आता है ना, तो उस पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रेडिंग सिस्टम देखा होगा ना, हमारे स्कूल का भी यार ऐसे लिखा हुआ था ना, एक्सीलेंट, गुड या वेरी गुड, ठीक है, गुड, एवरेज एंड पुअर, या बिलो एवरेज लिखा हुआ होता है, पुअर नहीं लिखा हुआ होता है, स्कूल वाले इतनी भी बेइज्जती नहीं करते हैं, बिलो एवरेज, पुअर नहीं लिखते हैं, ठीक है। सो हियर उन लोगों को वो ऐसे जैसे ए ए प्लस बी और ऐसे भी लिखा हुआ होता है, कई बार आप देखोगे रेटिंग्स, 5-star 2-star रेटिंग भी तो देते हो तुम लोग, भी तो यही तो देते होंगे, रिव्यूज डालते हो जब, वही रेटिंग्स है। तो हमने इसके अगेंस्ट क्या कोई क्वांटिटी असाइन कर दी, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी। अब आप क्या, जहाँ एक्सेलेंट आया वहाँ 5 लिख दो, जहाँ गुड आया वहाँ 3 लिख दो, तो आपने इसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने ये वाला लिमिटेशन तो ओवरकम कर लिया, ठीक है। सो क्वालिटेटिव डेटा कैन बी कन्वर्टेड टू क्वांटिटेटिव, तो एक स्टेप बढ़ जाती है बस। ऑलराइट, समझ आई ये बात पक्का। आज के लिए दो लिमिटेशंस बहुत है, कल की क्लास में कुछ नई टर्म्स के साथ दो लिमिटेशंस और कराऊंगी। ऑलराइट, इज दिस क्लियर, समझ आया पक्का, ये बिल्कुल बेसिक्स है। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब मैं आगे आपकी क्लासेस लूंगी तो मैं बहुत सी टर्म्स बोलूंगी, और वो टर्म्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं क्या है। सो दीज आर दी बेसिक टर्म्स जो हम लोग क्लास में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, या इनके कंटेक्स्ट में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। So that's why you must be very much aware about these basic terms, and then we'll move to the chapters. All right? इससे है ना बहुत हद तक मैं तुम्हारा first chapter भी cover कर दूंगी, okay? इसी में आपको almost first chapter थोड़ा थोड़ा cover होता जाएगा, so that आपको आगे थोड़ा कम करना पड़ेगा। All right? See you all tomorrow. Thank you. Bye.